हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चीज़ आप मेरे को बताओ कि अगर गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम हमारा कॉन्फिडेंट ना हो तो हमें गाड़ी चलाने में कतई कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इस बात से तो आप ये चीज़ समझ लो कि गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका कॉन्फिडेंट होने के लिए उसकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हेल्थ से रिलेटेड ना जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके रिलेटेड तीन ऐसी गाइडलाइन मैं आपको बताऊँगा कि अगर वो तीन गाइडलाइन अगर आप फॉलो करोगे ना, ब्रेकिंग सिस्टम आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, बहुत ही मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सिंपल सी तीन चीज़ें हैं, वो हमारे जहन में पता होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इस चीज़ की अगर ये वार्निंग लाइट्स आ रही हैं या ये सिम्टम्स हैं तो हमारी गाड़ी की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा उससे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का बोनट खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो हुड के अंदर ही है एक्चुअली। तो आप ये एक चीज़ देखो, ये जो है ना, ये है हमारा ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, मतलब इसमें जो होता है ब्रेक फ्लूइड हमारा जो है स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, ये मिनिमम और मैक्सिमम का ना एक लेवल है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड है ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम के लेवल के बीच में होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर मान लो आपका जो फ्लूइड का लेवल है वो मिनिमम से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग सिस्टम आपका बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको जो है इसको टॉप अप करना पड़ेगा। और टॉप अप कहाँ तक करो, इस मैक्सिमम लेवल से, ना कि इसके बियॉन्ड, इससे ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है, अगर मान लो ये रिजर्वोयर में जो ब्रेक फ्लूइड है वो कम हो जाता है ना, तो इसकी वार्निंग लाइट आपको शो हो जाएगी आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और ये जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वार्निंग लाइट आएगी ना, एक्चुअली में ये वार्निंग लाइट होती कौन सी है। अभी देखो, मैं इग्निशन ऑन करूँगा, ये मैंने ऑन किया। अब आप देखो, सबसे ऊपर आप देखना वो जो हैंड ब्रेक की या जो ब्रेक की जो लाइट आपको दिख रही है ना सबसे ऊपर, ये एक्चुअली में जो होती है ये आपको जो है सिग्नल आएगा। अभी देखो, मैं हैंड ब्रेक रिलीज करूँगा, लाइट गायब, हैंड ब्रेक लगाऊंगा, लाइट आ गई। तो ये जो लाइट आपको दिख रही है ना सबसे ऊपर वाली, राइट, सबसे ऊपर वाली, ये आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा, ये वार्निंग लाइट आपको एज अ सिंबल की तरह आएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी जो रिजर्वायर है, जो फ्लूइड का रिजर्वायर है, उसमें जो लेवल है फ्लूइड का, ब्रेक फ्लूइड का, वो कम है, राइट। नंबर टू, अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, आपको जो है फ्लूइड भरा जाता है, ठीक है। अगर मान लो इस रिजर्वायर में से आपका जो फ्लूइड है बार बार कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिकेशन क्या है कि ये जो फ्लूइड है हमारा कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। अब वो लीक अगर हो रहा है तो बार बार वही वार्निंग आएगी, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले आप पता करवाओ मैकेनिक से या आपका जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे गाड़ी ले जाओ कि ये लीकेज कहाँ से हो रही है, क्योंकि लीकेज हो रही है बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। और नंबर थर्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब कभी भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, मारुति की मेरी आल्टो गाड़ी है, अगर जिस भी आप कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे हो ना, कोई भी कंपनी होती है वो यही रिकमेंड करती है कि आप जो है जेन्युइन जो स्पेयर पार्ट है वो यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें जो ये ब्रेक फ्लूइड यूज़ हो रहा है ना, या तो आप मारुति सुजुकी का जो जेन्युइन ब्रेक फ्लूइड होता है वो यूज़ करो, अदरवाइज डॉट थ्री करके इसके अंदर जो होता है ब्रेक फ्लूइड इस रिजर्वायर में वो आपको डाला जाता है, ठीक है। अब वो जो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा पुराना और ओपन, कई लोग क्या करते हैं कि ओपन कंटेनर में उसको स्टोर करके रखते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपको थोड़ा सा टॉपअप करना है, तो आप थोड़ा सा टॉपअप करने के लिए उसको ओपन कंटेनर में ला के आप इसको डाल लेते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको इसको टॉपअप करना है तो हमेशा न्यू सील पैक, जो आपका छोटा डब्बा आता है, पैकिंग आती है, वो लें, उसी से ही आपको आपको जो है इसको टॉपअप करना है। जब वो ओपन थोड़े दिन के लिए स्टोर रहता है ना, तो आपको पता है कि उसमें ना जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह आ जाता है, वो बाहर के जो पार्टिकल, फॉरन पार्टिकल आते हैं वो आ जाते हैं, जो इसके लिए हेल्थ के बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस ही है। तो एक तो बहुत पुराना स्टोर किया हुआ, ये कहीं ओपन कंटेनर में स्टोर किया हुआ, ये जो आपको फ्लूइड है ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और करना है तो हमेशा जेन्युइन या डॉट थ्री जो आपका फ्लूइड होता है वो यूज करें, ठीक है। ये तीन मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, जो बहुत ऐसा कोई नहीं है कि आपको याद नहीं रहेंगे, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। अगर आप ये तीन चीज फॉलो करते हैं तो भाई गारंटी है कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा शानदार जो है आपका परफॉर्म करेगा, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।